हेलो। हेलो। हाँ सर, सुना इधर है। सो पावर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने ट्रांसमिशन से जुड़ी और कुछ चीज़ें देखी थी, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक और कॉमन टॉपिक है जिससे मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस मिले मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो है कोरोना। ठीक है, और आजकल भी कोरोना चल रहा है ना? तो ये कोरोना और उस कोरोना में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है ना? ये जो कोरोना है ये कैसे होता है? अगर किसी को कोरोना है और उसकी आप विकिनिटी में आ जाओगे तो आप में भी कोरोना इंड्यूस हो जाएगा, होता है ना? तो कुछ इस कोरोना के साथ भी है। अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन वायर्स का वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है। ठीक है, और आयनाइज होने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक कंडक्टर की तरीके बिहेव करने लगते हैं, और वहाँ पर भी करंट फ्लो होने लगती है, और फिर उससे क्या होता है कि एक हमिंग साउंड क्रिएट होता है। ठीक, सो दैट हमिंग साउंड जो इफेक्ट है ये उसी को हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज कोरोना? कोरोना इज़ बेसिकली सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एटमोस्फेरिक एयर एग्जिस्टिंग बिटवीन कंडक्टर्स। ओके, कब होता है कि इफ़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर। ओके, देन एयर मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज्ड सो दैट कोरोना इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वर्किंग एज अ कंडक्टर। सो दिस इज वॉट कोरोना इज। अगर हमारे वायर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर सराउंडिंग द वायर, सो एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे? आयनाइज हो जाएंगे, और उनके आयनाइज होने की वजह से दे विल स्टार्ट वर्किंग एज अ कंडक्टर। सो दिस इंड्यूस्ड इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोना, और इस कोरोना की वजह से एक हमिंग साउंड होता है। तो कभी कभी आप जब ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से निकलते होगे सो एक हमिंग साउंड सा जो हुआ करता है दैट इज़ ड्यू टू कोरोना। ओके, सो जब कोरोना होता है तो उस समय क्या होता है? ओजोन गैस रिलीज होती है ना? सो ये क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में आया हुआ कि विच गैस इज रिलीज व्हेन कोरोना अकर्स, सो इट इज़ ओजोन। एक ऑप्शन में और था SF6 N2O, तो ऑप्शन जो थे वो काफ़ी रिलेवेंट थे, सो इसलिए याद रखना ओजोन इज रिलीज्ड। उसके बाद कोरोना इफेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी क्या है कोरोना इफेक्ट की, उसे देखते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ओके, व्हाट इज दिस वोल्टेज? द वोल्टेज एट विच द कोरोना इज जस्ट इनिशिएटेड, जिस वोल्टेज पर कोरोना स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ओके, ये वो वोल्टेज होता है जिस पर साउंड कैन बी हर्ड। ठीक है, इस वोल्टेज पर हमें एक हमिंग साउंड सुनाई देता है। सो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इज वोल्टेज एट विच द कोरोना इज इनिशिएटेड। ओके, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस फॉर्मूले से आता है VC इक्वल्स टू क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेजेस MgR डेल LmdR किलो वोल्ट पर फेज, एंड दिस वोल्टेज इज इन RMS क्वांटिटीज। ओके, वेयर M क्या है? M है सरफेस फैक्टर, इसकी वैल्यू होती है 0.8 to 0.9 फॉर ACSR। ACSR पॉपुलरली यूज्ड कंडक्टर है जो जो नॉर्मली यूज़ करा जाता है, तो एम की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? 0.8 to 0.9।
एसी एसआर जानते हो ना, एसी एसआर पता है सभी जी लोगों सर को? हाँ, जी। एल्यूमिनियम कोर्ड स्टील रीइंफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कोर्ड स्टील रीइंफोर्स्ड, ठीक, कॉमनली यूज्ड वायर है फॉर ट्रांसमिशन, एसी एसआर। सो एम क्या है? सरफेस फैक्टर, और ए सी एस आर कंडक्टर के लिए या रफ कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.8 to 0.9, और इसकी वैल्यू 0.1 to 1 के बीच में होती है फॉर हॉलो कंडक्टर और स्मूथ कंडक्टर। ओके, जी क्या है? जी है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, विच इज़ 21 kV/cm। और एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें यही पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ओके, सो इट इज 21 kV/cm RMS। आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये दो कंडक्टर हैं तो आर क्या होगी? इस कंडक्टर की रेडियस होगी। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे डी, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। और डेल क्या है? डेल है एयर डेंसिटी फैक्टर, डेल इज गिवन बाई 3.92 b/273 + t, वेयर बी इज बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ एयर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, टी इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, एंड वॉट इज दैट वोल्टेज? द मिनिमम वोल्टेज एट विच द कोरोना इज जस्ट इनिशिएटेड, जिस पर कोरोना शुरू हो जाता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ओके, सो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और ये जो वैल्यू है वो किस में है? आरएमएस क्वांटिटीज़ में, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या होती है? 21 kV/cm। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब इसके बाद एक और वोल्टेज होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, ये वो वोल्टेज होता है जिस पर कोरोना कैन बी सीन। सो द वोल्टेज एट विच द कोरोना इज विजिबल विथ ब्लू और वायलेट कलर इज कॉल्ड क्रिटिकल विजिबल वोल्टेज। ओके, सो द वोल्टेज एट विच द कोरोना कैन बी सीन, ओके, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस इज वी वी इक्वल्स टू एम जी आर डेल 1 + 0.3/√R डेल, 0.3/√R एल एन डी बाई आर, किलो वोल्ट पर फेज, एंड दिस इज ऑल्सो इन आर एम एस क्वान्टिटीज। सो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज में कोई खास फर्क नहीं है, देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे सो इसमें ये एक अलग से टर्म ऐड हो जाता है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस फॉर्मूला विथ दिस एक्स्ट्रा एडिड फैक्टर, ठीक, 1 + 0.3/√R(del), ठीक। सो एवरी थिंग इज नोन इन दिस फॉर्मूला, एम जी आर डेल एट डी एन आर सब वही हैं जो मैंने अभी ऊपर बताए थे। सो दिस इज द क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। नाउ कोरोना पावर लॉस, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। सो इफ कोरोना अकर्स, पावर लॉस अकर्स विच इज गिवन बाय पीक एम्पेरिकल फॉर्मूला, और कोरोना लॉस का फॉर्मूला क्या है? PL इक्वल्स टू 241 × 10⁻⁵ f + 25/√R/d V फेज माइनस VC स्क्वायर। ओके, 241 × 10⁻⁵ f + 25/√R/d V फेज माइनस वी सी का स्क्वायर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, V फेज माइनस वी सी का स्क्वायर, ठीक। एंड दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ किलो वॉल्ट, किलो वॉट पर किलोमीटर,
पर फेज, ठीक, इसका यूनिट याद रखना, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। सो ये कोरोना लॉस के फॉर्मूले से जो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन होंगे वो देखो। सो कोरोना लॉस क्या है? कोरोना लॉस इज प्रोपोर्शनल टू F+25, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। सो कोरोना लॉस डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज। वी फेज क्या है? वी फेज है ऑपरेटिंग फेज वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वो वोल्टेज जिस पर ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेट हो रही है। अब अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर जो है वी फेज माइनस वी सी है। सो वी सी क्या है? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। सो इफ द क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इज लेस देन द फेज वोल्टेज देन कोरोना अकर्स। ओके, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज अगर वी फेज से कम होता है, यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा है, इसको ऐसे समझिए, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन का, अगर वो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा होगा, ओनली देन द फिनोमिना ऑफ कोरोना कैन टेक प्लेस। ओके, क्योंकि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है? इट इज़ द मिनिमम वोल्टेज जिस पर कोरोना आकर होता है। सो अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज जो है वो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा होगा, ओनली देन कोरोना एंड कोरोना पावर लॉसेस कैन टेक प्लेस। एंड इफ अदरवाइज, अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा है और ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज कम है, ठीक, मीन्स ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज उस लेवल तक नहीं है जिस पर कोरोना हो, सो देयर विल बी नो कोरोना लॉस। ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, सो इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी सेट किया हुआ है। अ ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग एट 30 kV, हैज़ आर इक्वल्स टू 1 cm, डी इक्वल्स टू 1 m, ठीक है, दिस हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन सेंटीमीटर्स। डेल एंड एम हैव वैल्यूज ऑफ 1, फ्रीक्वेंसी इज 50 Hz। सो हमें वी सी पहले निकालना है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, फिर हमें कोरोना लॉस पता करना है क्या होगा। सो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है? एम जी आर डेल एल एन डी बाई आर, किलो वोल्ट पर फेज RMS। सो एवरी थिंग इज गिवेन। ओके, सो एम भी 1 है, डेल भी 1 है, आर भी 1 cm है, और जी कितना होता है? 21 kV पर सेंटीमीटर। सो जी की वैल्यू रख दी, एल एन डी 1 m था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 100/1, सो दिस विल कम आउट टू बी 96.7 kV पर फेज। सो वी सी कितना है? वी सी है 96.7 kV पर फेज। ओके, जबकि हमारा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना है? 30 kV, यानी वी फेज की वैल्यू कितनी है? 30 kV। सो ये कौन सा केस हो गया, केस वन या केस टू? दिस इज केस वन और केस टू, आइदर वी फेज इज ग्रेटर देन वी सी और इट इज लेस देन वी सी। ऐसा लेस देन वी सी। सो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी फेज, और ये कह सकते हो कि जो लाइन का वोल्टेज है दैट इज लेस देन द क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, मतलब जिस वोल्टेज से ऊपर कोरोना लॉस होगा, हमारा लाइन का जो वोल्टेज है वो उससे भी कम है। सो क्या कोरोना होगा? नहीं, ठीक है। सो आंसर होगा देयर विल बी नो कोरोना लॉसेस। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी, यू माइट, यू मे सी इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम एज वेल। ओके, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो सर। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दोज एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना, जितने भी एग्जाम में आए हुए कभी ना कभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सारे यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं। ओके, सो आप जब इनको एक बार पढ़ोगे उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, ठीक है। सो क्या क्या फैक्टर्स हैं देखते हैं। सबसे पहली बात कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज अगर फेज वोल्टेज से ज़्यादा है सो कोरोना हो ही नहीं सकता, ठीक है। हैंस इन प्रैक्टिकल डिज़ाइन हायर वैल्यू ऑफ वी सी इज प्रेफर्ड, ठीक है।
कोरोना कोई अच्छी चीज नहीं है, कोरोना अगर होगा तो कोरोना से लॉसेस भी होंगे। सो हम डिजाइन ऐसा करेंगे कि कोरोना ना हो, ठीक है। सो कोरोना ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा डिजाइन करेंगे जिससे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो हो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, ठीक है। सो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की वैल्यू अगर ज्यादा होगी ट्रांसमिशन लाइन के ऑपरेटिंग वोल्टेज से तो कभी कोरोना होगा ही नहीं, ओके। सो अब ऐसा कर कैसे कैसे सकते हो, तो वीसी क्या था, वीसी था एम जी आर और डेल भी था, एम जी आर डेल एल एन डी बाई आर, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे हम वीसी को बढ़ा सकते हैं। सो देख रहे हो कि वीसी इज प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। एम अगर हाई होगा, ठीक है, तो वीसी भी हाई होगा, और एम किसके लिए हाई होता है, हॉलो कंडक्टर के लिए, ओके। ए सी एस आर कंडक्टर के लिए एम की वैल्यू कितनी थी, 0.8 और 0.9 के बीच में, जबकि हॉलो कंडक्टर के लिए ये कितना हो सकता है, 1 तक हो सकता है, ओके। सो एम जितना हाई होगा वी सी उतना ही हाई होगा, सो दैट लेस अफेक्टेड बाई कोरोना, ओके। सो कौन सा कंडक्टर यूज़ करना चाहिए अगर कोरोना को मिनिमाइज़ करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन सा कंडक्टर यूज़ करें जिससे कोरोना मिनिमाइज हो, तो आंसर क्या है, हॉलो कंडक्टर, ओके। इज इट क्लियर, बोलो। सेकेंड फैक्टर है, आप देख रहे हो वी सी जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर है। वी सी क्या था, एम जी आर डेल एल एन डी बाई आर। सो वी सी जो है वो प्रोपोर्शनल है आर के, है ना। यहाँ से देख रहे हो कि जो वी सी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कंडक्टर। सो वी सी को हमें बढ़ाना है, तो वी सी कैसे बढ़ेगा, वी सी तब बढ़ेगा जब रेडियस ऑफ कंडक्टर बढ़े। सो अगर हम बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करें, सो बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करने से क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था बंडल कंडक्टर के बारे में, ठीक है। अगर बंडल कंडक्टर यूज़ करोगे, जैसे सिंगल कंडक्टर होता है, सिंगल कंडक्टर के रेडियस सिंगल कंडक्टर की रेडियस कितनी होती है, आर। अगर इसके पास बंडल कंडक्टर यूज़ करोगे, सो बंडल कंडक्टर मतलब बहुत छोटे से स्पेस में कई सारे कंडक्टर एक साथ, सो उससे जो इफेक्टिव रेडियस है क्या होगी, ये दैट इफेक्टिव रेडियस विल बी इंक्रीज्ड, ओके। सो अगर हम बंडल कंडक्टर यूज करें, सो दिस रेडियस कैन बी इंक्रीज, सो अल्टीमेटली वी सी वुड बी इंक्रीज। सो अगर वी सी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कोरोना कैन कोरोना मिनिमाइज हो सकता है, ओके। और अगर हायर वी सी पर पी एल ज़ीरो हो, और यहाँ पर आपने देखा था कि जो पी एल का फॉर्मूला था वहाँ पर क्या था, पी एल इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। सो आप सोच सकते हो कि कौन सी वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला प्रेफर किया जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी सी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर कोरोना लॉस के फॉर्मूले में वी सी इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर, ठीक है। सो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, वी सी प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, इसे प्रेफर करोगे। ये आर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वी सी बढ़ाने के लिए, बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, हेंस द कोरोना इज मिनिमाइज, ओके। अगर आपका देखो कोरोना लॉस का फॉर्मूला क्या था, किसी का माइक ऑन है वो बंद कर दो, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ कर दो, एफ प्लस 25 अपॉन
अंडर रूट, यहाँ पर डेल था शायद, आर बाई टी और वी फेस माइनस वी सी स्क्वायर। ठीक, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आप आर को इंक्रीज करोगे सो आपका वी सी इंक्रीज हो जाएगा। सो वी सी के इंक्रीज होने से क्या होगा, अगर वी सी जो है वो वी फेस से बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कोरोना लॉसेस क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ओके, सो अगर हम बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करें सो वी सी कैन बी इंक्रीज्ड एंड हेंस कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड। सो ये क्वेश्चन है, अभी मैं कराऊंगा आपको। सो एक क्वेश्चन आया था कि बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर, और चार ऑप्शन थे कि बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करने से क्या हो सकता है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि कोरोना लॉस एंड इंटरफेरेंस कैन बी मिनिमाइज, सो दैट वॉज द राइट आंसर। ओके, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा कोरोना के ऊपर, तो अभी आप देखना। थर्ड पॉइंट है वी सी, वी सी को फिर से लिख लेते हैं, एक मिनट। वी सी क्या था, एम जी आर डेल एल एन डी बाई आर। ओके, सो हमने देखा कि एम से क्या फर्क पड़ता है, आर से क्या फर्क पड़ता है, आप देखते हैं कि डेल से क्या फर्क पड़ता है। सो वी सी इज प्रोपोर्शनल टू डेल, और डेल क्या था, डेल था 2.92 बी अपॉन 273 प्लस टी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये डेल वी सी क्या था, वी सी इज प्रोपोर्शनल टू डेल एंड अल्टीमेटली इट इज प्रोपोर्शनल टू द बी। बी क्या था, बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर के बारे में क्या होता है, अगर हम लोग हिल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है उसकी वैल्यू स्मॉल होगी। सो अगर स्मॉल होगी तो वी सी क्या होगा, लो होगा। तो अगर वी सी लो होगा तो कोरोना क्या होगा, मोर फ्रिक्वेंट होगा। ओके, एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया। सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि द कोरोना लॉस इज मोर प्रॉम्पटिंग इन हिल एरियाज और प्लेन एरियाज। सो कोरोना लॉस कहाँ पर ज़्यादा सीवियर होगा, बता सकता है कोई, कोरोना लॉस कहाँ पर ज़्यादा सीवियर होगा, हिल एरियाज, हिल एरियाज पर। ठीक है, ये याद रखना, हिल एरियाज, हाँ हिल एरियाज पर। उसके बाद देखो वी सी जो है वो प्रोपोर्शनल है एल एन डी, है ना, यानी डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। सो एज ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज, ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर आर इंक्रीज। जैसे जैसे ऑपरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज होता है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर जो है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर बढ़ेगी सो क्या होगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बढ़ेगा तो कोरोना लॉस कैन बी मिनिमाइज। ओके, सो दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे मैंने। हाँ, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पी एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25, यानी कोरोना लॉस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सो अगर हम हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ पर कोरोना लॉस ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू डीसी। ओके, डीसी में फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। ठीक है, सो अगर हम डीसी ट्रांसमिशन करेंगे सो डीसी ट्रांसमिशन में हम कोरोना को बिल्कुल निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, डीसी ट्रांसमिशन अगर हम करेंगे तो वहाँ हम इस कोरोना इफेक्ट को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बट अगर हम एसी ट्रांसमिशन यूज करेंगे तो वहाँ कोरोना लॉस होगा ही होगा। क्लियर, और क्या किया जा सकता है, अगर हम हाइट ऑफ द टावर बढ़ा दें तो भी कोरोना लॉस मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, और अब ये किसी फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ नहीं है, पर ये याद रखना कि अगर हम हाइट बढ़ा दें ट्रांसमिशन टावर की तो कोरोना लॉस मिनिमाइज किया जा सकता है। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, सबसे ज़रूरी पॉइंट, अगर हम ट्रांसपोजिंग कर दें ट्रांसमिशन लाइन की तो कोरोना लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन समझते हो क्या होता है, मालूम है ये फैक्ट या बताऊँ मैं, ट्रांसपोजिशन। अच्छा, देखो ट्रांसपोजिशन, हाँ बता दीजिए सर, बता दीजिए सर।
देखो एक तरीका है, तुम्हारे पास थ्री फेज वायर है तो एक तरीका है कि ये देखो इस तरीके से ट्रांसमिशन कर दो, आर को उठाओ और आर के पास ले जाओ, वाई को उठाओ वाई के पास ले जाओ, ऐसे ठीक है स्ट्रेट ट्रांसमिशन कर दो। ठीक है, सो ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रांसमिशन हो गया, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। और दूसरा तरीका है कि ट्रांसपोजिशन कर दो। ट्रांसपोजिशन कैसे होता है देखो, ट्रांसपोजिशन में हम कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बनाते हैं। देखो आर फेज यहाँ से चला था और यहाँ पर आर फेज यहाँ पर मिला, ठीक है, वाई फेज यहाँ से चला और यहाँ पर आया, और देखो ये वाई फेज हो गया, ये चला बी फेज, बी फेज यहाँ आया, ठीक है ये हो गया बी फेज। सो इस तरीके का जो कंडक्टर्स को अरेंज करने का तरीका है, इसको बोलते हैं ट्रांस पोजिशन, मतलब ट्रांसफर दी पोजिशन। ओके, सो इस तरीके से अगर ट्रांसमिशन लाइन को इरेक्ट करते हो, सो इसको बोलते हैं ट्रांस पोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर ना होके ऐसे सीधे ट्रांसमिशन करने की जगह हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया ट्रांसपोजिशन क्या है? ट्रांसपोजिशन इज बेसिकली ट्रांसफरिंग द पोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। ओके, हाँ यस सर। सो अगर ट्रांसपोजिशन करोगे तो भी आप कोरोना लॉस को मिनिमाइज करोगे। ठीक, तो ये जो दो फैक्टर हैं ये किसी फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, पर ऐसा देखा गया है कि ये चीज़ें करने से कोरोना लॉस मिनिमाइज होता है, एक तो हाइट ऑफ टावर बढ़ाने से और दूसरा ट्रांसपोजिशन करने से। ठीक है, सो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोरोना लॉस समरी क्या है इसकी, ठीक, तो समरी क्या होगी? कोरोना लॉस को अगर मिनिमाइज करना है तो क्या क्या करोगे? पहला तरीका ट्रांसपोजिशन कर दो, दूसरा तरीका हाइट ऑफ कंडक्टर बढ़ा दो, तीसरा तरीका एच वी ए सी की जगह एच वी डी सी ट्रांसमिशन यूज़ करो। ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया कोरोना को मिनिमाइज करने का। और चौथा तरीका कि ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा दो। ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा कि स्पेसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्पेसिंग अगर ज़्यादा करोगे तो डी बढ़ जाएगा, डी बढ़ जाएगा तो वी सी बढ़ जाएगा, वी सी बढ़ गया तो क्या होगा कोरोना लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कोरोना लॉस जो है वो हिल एरियाज़ पे, माउंटेन एरियाज़ पे ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू द प्लेन एरियाज़। और अगर बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करोगे, ठीक है, सो बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करने से इफ़ेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगी, इफ़ेक्टिव रेडियस अगर बढ़ जाएगी सो कोरोना लॉस कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, और दो तरीके के कंडक्टर होते हैं, ए सी एस आर या रफ कंडक्टर, और दूसरे हॉलो कंडक्टर या स्मूथ कंडक्टर। सो अगर हॉलो या स्मूथ कंडक्टर यूज़ करोगे सो एम ज़्यादा होगा, सो उससे भी कोरोना लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। और कोरोना लॉस मिनिमाइज कर कैसे रहे? कोरोना लॉस मिनिमाइज कर रहे हैं हम वी सी को वी फेस से ज़्यादा करके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी तरीका अपना रहे हैं उससे हमें क्या करना है, हमें अपने क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज से ज़्यादा रखना है। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो हम कोरोना को मिनिमाइज कर पाएंगे। ओके, और क्या देखा हम लोगों ने? कोरोना लॉस का फॉर्मूला और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला। ठीक है, हो सकता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में कोई ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, ठीक है, या कोई लॉस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ जाए, सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वैल्यू गिवन होंगी और बस पुट करके आंसर पाना होगा। सो इसकी यूनिट क्या होती है? किलो वॉट पर किलोमीटर पर फेज। ओके, आर एंड डी बोथ आर इन सेंटीमीटर्स। सो ये कोरोना लॉस का फॉर्मूला है। और इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इफ द कोरोना वॉन्ट्स टू अकर। ओके, फिर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज।
और एक बात याद रखनी है, ये जो वोल्टेज निकालोगे वो कैसा होगा, आरएमएस क्वांटिटी होगी, ठीक है। सो अभी मैं क्लास के बाद ये नोट्स भेज दूंगा, आप इन नोट्स का एक एक कोना कोना बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे कि इनसे ही क्वेश्चन आया है। सो कोरोना के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि कोरोना एक अनवांटेड फिनोमिना है, और कोरोना होगा तो उससे लॉसेस होंगे, तो पावर लॉस होंगे, और पावर लॉस अगर होंगे तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी को इफेक्ट डालते हैं। सो कोरोना से पावर लॉस होते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। और क्या होता है, चार्जिंग करंट बढ़ जाती है, ठीक है, चार्जिंग करंट बढ़ जाती है। और क्या होता है, इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोरोना हो रहा होगा और ट्रांसमिशन लाइन के आसपास कहीं पर अगर कम्युनिकेशन लाइन है, ठीक है, सो कोरोना लॉस की वजह से क्या होगा, जो कम्युनिकेशन लाइन के सिग्नल्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। सो अगर कोरोना हो रहा होगा तो इंटरफेरेंस की वजह से कम्युनिकेशन लाइन के सिग्नल्स जो होंगे वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये है डिसएडवांटेज कोरोना के। अच्छा, एडवांटेज भी है। तुम सोच सकते हो कि कोरोना तो एक लॉस है, उससे भी कोई एडवांटेज हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। लाइटनिंग जब होता है ना, लाइटनिंग का फिनोमेना, जब बिजली गिरती है, जानते हो ना लाइटनिंग, बिजली गिरना, सो उस समय कोरोना लॉस हमारे लिए एक तरीके का एडवांटेज होता है। क्या? कि जो स्टीपनेस है और जो पीक वैल्यू ऑफ लाइटनिंग सर्ज है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, इफ द लाइटनिंग कैन बी रिड्यूस्ड, अगर लाइटनिंग को हम डिस्चार्ज कर दें बाय फॉर्मिंग कोरोना। ओके, जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। सो उस मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर सकते हैं हम, उस मैग्नीट्यूड को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लाइटनिंग को कोरोना में डिस्चार्ज करवा दें, ठीक है। सो यहाँ पर देख रहे हो, मैंने ये फिनोमेना दिखाया है, जैसे ये लाइटनिंग गिरी, ठीक है, 100 KV की लाइटनिंग फॉल हुई वायर के ऊपर। सो अगर इस लाइट को हम कोरोना में डिस्चार्ज करवा दें, सो हम इसकी स्टीपनेस को कम कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को लाइटनिंग के कम कर सकते हैं, जिससे हमारे सिस्टम को कम से कम नुकसान हो। ओके, जो लाइटनिंग फॉल होती है कंडक्टर के ऊपर, उसको अल्टीमेटली अर्थ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तुम्हारे ट्रांसमिशन लाइन पर फ्लो होती है, ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड रखती है, तो कहीं ना कहीं जब लाइटनिंग फॉल होती है तो ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान होता ही होता है। तो इस फिनोमिना को हम लाइटनिंग के मैग्नीट्यूड को कम कर सकते हैं अगर हम उस लाइटनिंग को कोरोना में डिस्चार्ज करवा दें। सो उस लाइटनिंग की एनर्जी क्या होगी, कोरोना में वेस्ट होगी और उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ओके, सर प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं ना, किसको ये लाइटनिंग डिस्चार्ज को? प्रैक्टिकली इसको ऐसे करोगे कि देखो, लाइटनिंग प्रोन एरियाज होते हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर लाइटनिंग गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो उन एरियाज से अगर तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि कोरोना लॉस वहाँ पर हो। ओके, क्योंकि लाइटनिंग को तुम कोरोना में डिस्चार्ज करवा रहे हो ना, लाइटनिंग की एनर्जी को कोरोना में वेस्ट करवा रहे हो, तो तुम उन एरियाज में ऐसा इंतजाम करोगे कि वहाँ पर कोरोना हो, ठीक है, जैसे बाकी जगह तुम ये कोशिश कर रहे हो कि ऐसा कर दे वैसा कर दे तो कोरोना ना हो, वहाँ पर क्या करोगे, उन फैक्टर्स से अपना कंट्रोल हटाओगे जिससे कोरोना हो, ठीक है। अब कोरोना कैसे होगा, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज का अमाउंट कम कर दोगे जिससे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का अमाउंट बढ़ जाएगा, सो वहाँ पर कोरोना होगा। अब अगर कोरोना लॉस हो रहा होगा तो जो अगर वहाँ पर लाइटनिंग गिरेगी, सो उस लाइटनिंग की एनर्जी कहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगी, कोरोना में, ठीक है। सो ऐसा करके हम लाइटनिंग की जो उसकी पीक वैल्यू है, उसकी स्टीपनेस है, उसकी एनर्जी है, उसको कोरोना के रूप में डिस्चार्ज कर देंगे और अपनी ट्रांसमिशन लाइन को होने वाले नुकसान को
कम कर सकते हैं. सो इज इट क्लियर? यस सर. हाँ, सो कोरोना हो गया, कोरोना खत्म हो गया. कोरोना में सर, हाँ 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 बोलो. अच्छा सर, ये डिसएडवांटेज सर, ये चार्जिंग करंट इंक्रीज है सर, तो इसका सर क्या मतलब हुआ सर, इसको थोड़ा समझा दीजिए सर. हाँ, मैंने शुरू में बताया था कि जो एयर है वायर के आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है. सो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं दैट बिकम्स कंडक्टर. ठीक है, दैट बिकम्स कंडक्टर. ठीक है, सो जब वो कंडक्टर बन जाएंगे तो उनमें क्या होगा कि करंट फ्लो होने लगेगी. दैट करंट इज कॉल्ड चार्जिंग करंट. सो जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जाएगा तो इस चार्जिंग करंट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा. अब अगर करंट फ्लो होगी तो लॉसेस बढ़ते ही चले जाएंगे. ठीक है, सो अगर चार्जिंग करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो पावर लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. जी सर, जी है ना. और इंटरफेरेंस में क्या होता है, उसमें भी यही होता है. आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो आयनाइज हो जाएंगे और उनमें चार्जिंग करंट फ्लो हो रही होगी तो आसपास की जो कम्युनिकेशन लाइन होगी, ठीक है, सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जैसे कम्युनिकेशन लाइन जो जा रही होगी उस कम्युनिकेशन लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारे ट्रांसमिशन लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करोना, जैसे ये कम्युनिकेशन लाइन जा रही है सो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, ठीक है, और ये जो तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना हो रहा है तो इसके आसपास की जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो क्या होंगे, आयनाइज होंगे. ठीक है, वहाँ पर करंट फ्लो हो रही होगी. सो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, जानते हो. सो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, सो वो क्या करेंगे, ये कम्युनिकेशन लाइन के जो सिग्नल्स हैं इनको डिस्टॉर्ट कर देंगे. ओके, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस, कि कम्युनिकेशन लाइन की जो करंट कैरी कर रहे हैं कंडक्टर उनकी मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर हैं वहाँ पर कोरोना हो रहा है तो वहाँ की चार्जिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट विल काउंटर रिएक्ट विद ईच अदर. सो उसकी वजह से क्या होगा, जो कम्युनिकेशन लाइन के सिग्नल्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो कम्युनिकेशन लाइन पर जो रिसीवर बैठे हुए हैं उन तक जो इंफॉर्मेशन पहुँचेगी दैट इज़ डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन. मान लो जैसे वहाँ पर वॉइस सिग्नल भेजा जा रहा है तो वॉइस सिग्नल जो होगा वो अच्छे से नहीं जाएगा, दैट विल बी डिस्टॉर्टेड. जैसे आपका सीआरओ होता है, सीआरओ, हेलो, जी सर, हाँ, तो अगर जैसे सीआरओ को आप किसी ट्रांसमिशन लाइन के आसपास यूज़ करोगे ना, सीआरओ को अगर वहाँ पर यूज़ करो आप जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन जा रही हो, जहाँ से अगर उसके बहुत पास बैठ के सीआरओ को ऑपरेट करोगे, ठीक है, तो सीआरओ की जो वेवफॉर्म होगी ना नॉर्मल ऑपरेशन में, अगर उसको कहीं और ऑपरेट करो और कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन लाइन के पास बैठ के ऑपरेट करो तो सीआरओ की जो वेवफॉर्म्स होंगी वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं. ये मैंने लाइव देखा है, अपने आप खुद देखा है करके ऐसा. हेलो, हाँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था सो उस कॉलेज में जो मेरा पावर सिस्टम का लैब था वो लैब जो था जिस एंड पे पढ़ता था वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन गई थी तो करीब ट्रांसमिशन लाइन वहाँ से करीबन 50 से 100 मीटर दूर थी. ठीक है, सो वहाँ पर जब हम उस सीआरओ को ऑपरेट करते थे तो सीआरओ कभी अच्छी रीडिंग नहीं देता था, अच्छी वेवफॉर्म नहीं देता था. जबकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाते थे, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जो सीआरओ रखा था, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब थोड़ा कम्युनिकेशन उससे ट्रांसमिशन लाइन से फार एंड पे थी, सो वहाँ का जो सीआरओ था वो उस लैब के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छी रीडिंग देता था, थोड़ा अच्छी वेवफॉर्म देता था. सो वहाँ पर हम लोगों ने ये इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखा. ओके, सो कोरोना यहाँ से खत्म हो गया. कोरोना में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, नहीं सर. अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग इंसुलेटर्स पे. अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा कोरोना के ऊपर जो एग्जाम में आए हुए हैं, फिर देखना तो कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. हाँ, इंसुलेटर्स,
इंसुलेटर्स, इंसुलेटर का बेसिकली काम क्या होता है, जो टावर होता है, ठीक है, टावर जो ट्रांसमिशन लाइन कैरी करता है, ठीक, तो जो वायर जाता है वो ट्रांसमिशन लाइन पर इंसुलेटर के थ्रू टाइटेन होता है, बंधा होता है, ठीक है, ये आपकी इंसुलेटर स्ट्रिंग होगी, ठीक, ये इंसुलेटर स्ट्रिंग आपके इस वायर को कैरी कर रही होगी, ट्रांसमिशन लाइन वायर को, ये ट्रांसमिशन लाइन वायर इस पर ट्रांसमिशन टावर पर डायरेक्टली कपल तो होता नहीं है, सो वो जो स्ट्रिंग होती है, कुछ ऐसी स्ट्रिंग होती है, देखा होगा आपने, और यहाँ से आपका ये वायर जा रहा होता है, देखा है ऐसा ट्रांसमिशन टावर पे, ये इंसुलेटर जी स्ट्रिंग सर। होती है, ठीक है, और ये जो ये प्लेट्स दिख रही हैं इनको बोलते हैं डिस्क, ये इंसुलेटर डिस्क होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर स्ट्रिंग, ठीक, और यहाँ पर आपका वायर जा रहा होता है, और ये इसका जो पिन होता है ये यहाँ पर टावर पर आपके कपल्ड होता है, ऐसा देखा है ना आपने इंसुलेटर्स को, सो वही हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर कि ये इंसुलेटर्स जी कितने सर। टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, तो इंसुलेटर पिन टाइप का होता है, ठीक है, पिन टाइप का इंसुलेटर ज़्यादातर रूरल एरियाज में लोकल ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर वोल्टेज रेटिंग जो है वो 11 kV से कम होती है वहाँ पर, ओके, पिन टाइप इंसुलेटर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर लोकल ट्रांसमिशन के लिए रूरल एरियाज में, जहाँ पर वोल्टेज रेटिंग आपकी 11 kV से कम होती है, और पिन टाइप ट्रांसमिशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डिस्क होती है, एक से ज़्यादा डिस्क नहीं होती हैं। दूसरा आपका होता है सस्पेंशन टाइप, तो अभी जो मैंने बताया था सस्पेंशन टाइप, अभी मैंने सस्पेंशन टाइप ही बताया, सस्पेंशन टाइप पे क्या होगा, कई सारे डिस्क होंगे, ठीक है, और जो इंसुलेटर होगा वो आपका सस्पेंडेड होगा, इस तरीके से लटक रहा होगा यहाँ पर ऐसे, उसमें कई सारे डिस्क होंगे, द डिस्क आर फॉर्मिंग अ स्ट्रिंग, ओके, सो सस्पेंशन और स्ट्रिंग टाइप ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी वोल्टेज रेटिंग हो 33 kV से 765 kV तक, ओके, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है, वोल्टेज रेटिंग से पूछा जाता है कि इस वोल्टेज रेटिंग पे कौन सा यूज़ किया जाता है, इस वोल्टेज रेटिंग पे कौन सा यूज़ किया जाता है, तो सस्पेंशन टाइप या स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर को हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज रेटिंग पे, जहाँ वोल्टेज रेटिंग कितनी हो 33 kV से ऊपर और 765 kV तक, है ना, 765 से मुझे याद आया, 765 क्या है भाई, कोई बता सकता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वोल्टेज, हाँ, या हाईएस्ट पॉसिबल ट्रांसमिशन वोल्टेज, है ना, अभी तक जो यूज हो रहा है, उसके बाद तीसरे तरीके के होते हैं स्ट्रेन टाइप, ठीक है, स्ट्रेन टाइप कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे आपका एक टावर यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा टावर आपका यहाँ पर लगा हुआ है, और बीच में मान लो रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है, या बीच में कोई रिवर जा रही है, सो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर ऐसे इस तरीके से लटक, इस तरीके से होते हैं, हम जैसे ये आपका हाँ वर्टिकली सस्पेंडेड है, वो आपके हॉरिजेंटली सस्पेंडेड होंगे कुछ इस तरीके से, और ये वायर कैरी कर रहे होंगे इस एंड पर भी ये ऐसे ही होंगे, ठीक है, सो ये स्ट्रेन टाइप के होते हैं, ये आपके वायर की लेंथ है और ये आपके इंसुलेटर्स हैं, ये हॉरिजेंटली इस तरीके से लटक रहे होते हैं, ये वर्टिकली लटक रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक, सो ये स्ट्रेन टाइप होते हैं, स्ट्रेन टाइप को ज़्यादातर बाईपास के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रिवर्स, रोड्स, रेलवे, अगर क्रॉसिंग पड़ती हैं, ठीक है, या तो वहाँ पर हम लोग इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसी जगह हमें थोड़ा सैग देना होता है ना, सैग जानते हो ना, सैग का मतलब मिनिमम क्लियरेंस, जो हमें ग्राउंड से मिनिमम क्लियरेंस देना होता है सैग बोलते हैं, सो वहाँ पर हम स्ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, सो स्ट्रेन का, स्ट्रेन और सस्पेंशन में इनकी एप्लीकेशन में अंतर है, स्ट्रिंग को हम हर जगह यूज़ करते हैं नॉर्मल ट्रांसमिशन में, स्ट्रेन को वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें सैग को कम करना पड़ता है, ठीक है, या बाईपास करना होता है रिवर्स, रोड्स और रेलवेज को,
रेटिंग वाइज सस्पेंशन और स्ट्रेन सेम है, इनको भी स्ट्रेन टाइप को भी हम हायर रेटिंग में ही यूज करते हैं, ठीक है। चौथा होता है शैकल टाइप। शैकल टाइप आजकल यूज में नहीं है, नॉट इन यूसेज नाउ, और इसको हम 11 केवी तक ही यूज कर सकते थे, ठीक है, ये आजकल यूज में ही नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। सो ये हैं आपके चार टाइप ऑफ इंसुलेटर्स, पिन, सस्पेंशन और स्ट्रेन। सो इनकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है उस हिसाब से याद रखना। मटेरियल जिसके ये बने होते हैं, पोर्सिलीन, सिलिकेट और टफेन ग्लास, ठीक है, पोर्सिलीन, सिलिकेट और टफेन ग्लास, इन मटेरियल्स के ये इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं। स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितने वोल्टेज पर इनको यूज किया जाना है, ओके, किस वोल्टेज रेटिंग पे इनको यूज किया जाना है, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो उसी बेसिस पे डिजाइन होती है, ठीक। तो आप देखते हैं पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में क्या फैक्ट्स हैं। सो पिन इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल इज सपोर्टेड ऑन अ मेटल पिन, जस्ट अ पिन, इट इज़ यूज अप टू 33 kV, है ना, 33 kV तक यूज कर सकते हैं। मैंने अभी ऊपर 11 बताया, चलो 33 होता है, और बियॉन्ड 33 kV जो कॉस्ट है इंसुलेशन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम इनको वहाँ पर यूज़ नहीं करते, ठीक है, 33 kV के बिलो ही यूज़ करते हैं, 33 kV के ऊपर इनको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है इंसुलेशन की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर हायर वोल्टेज स्ट्रिंग और सस्पेंशन इंसुलेटर यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं यही स्ट्रिंग और सस्पेंशन इंसुलेटर। सो आप देखते हैं कि सस्पेंशन और स्ट्रिंग इंसुलेटर क्या होते हैं। सो सस्पेंशन ऑफ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इंसुलेटर में होता क्या है, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क, है ना, मैं बताया था कि कुछ इस तरीके की डिस्क होती हैं। आपने इंसुलेटर देखा है ना, वायर्स आपके ट्रांसमिशन टावर में, वायर्स आपके जिस स्ट्रिंग से वायर से कपल्ड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, है ना, और वो इंसुलेटर जो है वो आपके स्ट्रिंग टाइप ही होते हैं। देखो कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग होती है, और यहाँ पर नॉर्मल ये इस तरीके का होता है जो आपका वायर को कैरी कर रहा होता है, ये देखा है ना सभी ने, ये आपकी पूरी स्ट्रिंग होती है, और ये जो एक इंडिविजुअल होती है इसको हम बोलते हैं डिस्क, ओके। सो एक जो स्ट्रिंग या सस्पेंशन इंसुलेटर होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिस्क, ओके। सो इंसुलेटर डिस्क विच आर सेपरेटेड बाय अ मेटल लिंक, है ना, एक मेटल लिंक होता है, एक मेटल लिंक के ऊपर ये सारे डिस्क जो है उनको हम एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, सेपरेटेड बाय अ मेटल लिंक। इट इज़ प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर ऑल द वोल्टेज लेवल्स फ्रॉम 33 kV टू 765 kV, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि नंबर ऑफ डिस्क कितने यूज होंगे, ठीक है, सो नंबर ऑफ डिस्क कितने यूज होंगे, ये होता है फेज वोल्टेज अपॉन VD। VD क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क, ओके, और V फेज क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। सो जैसे मान लो हमें 33 kV लाइन के लिए इंसुलेटर स्ट्रिंग को बनाना है, सो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कितने डिस्क यूज होंगे। सो हमारा वोल्टेज कितना है, 33 kV, ये वोल्टेज कैसा वोल्टेज होता है, 130, 220, ये सारे वोल्टेज लाइन वोल्टेज होते हैं, ठीक है। सो इसको पहले फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करो, √3 से डिवाइड करके, तो ये आपका फेज वोल्टेज हो गया अपॉन VD। VD क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क, ना, तो हमारी जो एक डिस्क होती है ना वो मैक्सिमम 11 kV वोल्टेज तक बियर कर सकती है, ओके। ये जो एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क 11 kV वोल्टेज तक बियर कर सकती है, ठीक है, हर एक डिस्क 11 kV वोल्टेज बियर कर सकती है। सो डिवाइडेड बाय 11, सो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये देखो आएगा लगभग 2, ठीक है, इसमें हमने +1 किया है सेफ्टी के लिए, जितना भी आता है हम एक ज़्यादा ही डिस्क उससे यूज़ करते हैं, जिससे जो डिस्क है ना उन पर ज़्यादा टेंशन ना रहे, ठीक है, वो अपनी जो 11 kV रेटिंग है उससे थोड़ा कम ही वोल्टेज बियर करें, जिससे उनके ऊपर ज़्यादा टेंशन ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना आए।
सो हम प्लस वन कर देते हैं, उतने हमारे स्ट्रिंग उतने हमारे डिस्क यूज होंगे. सो 33 केबी में कितने डिस्क यूज होंगे? 3. ओके, उसी तरीके 132 में अगर निकालना हो तो कितने डिस्क लगेंगे? 8. 220 में कितने डिस्क लगेंगे? 13. सो ये एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि इतने वोल्टेज में कितने नंबर ऑफ डिस्क यूज होंगे. अगर ये निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो. ओके, और आपका जो ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर में आप नंबर ऑफ डिस्क काउंट करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन आपकी जा रही है ना, ये लगभग कितना वोल्टेज कैरी कर रही होगी. मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो. हाँ सर. हाँ, आपके आसपास जो भी ट्रांसमिशन टावर हो, उस ट्रांसमिशन टावर में जो भी स्ट्रिंग टाइप सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ही लगा होगा, उसके आप नंबर ऑफ डिस्क काउंट करना. आप नंबर ऑफ डिस्क काउंट करोगे, मान लो नंबर ऑफ डिस्क आए 8, सो उस 8 को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो 11 से. ठीक है, सो 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे, या आप ऐसे निकाल लेना, देखो कुछ इस तरीके से, नंबर ऑफ डिस्क n इज इक्वल्स टू v फेज अपॉन vd. ठीक है, सो आप निकाल सकते हो कि ये लाइन कितना वोल्टेज कैरी करी. सो आपने इंसुलेटर काउंट किए, वो आए 8. ठीक है, सो v फेज क्या होगा? 8 इंटू वी डी. ठीक, vd आप जानते हो, vd क्या होता है? एक डिस्क का वोल्टेज, और एक डिस्क का वोल्टेज कितना होता है? लगभग 11 kV. सो ये आ गया 88 kV. अब ये है आपका फेज वोल्टेज. सो लाइन वोल्टेज होता है जो लाइन कैरी करती है, तो लाइन वोल्टेज के लिए इसमें क्या करोगे? √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आ जाएगा 132 kV. सो देखो, आपने ट्रांसमिशन लाइन टावर के नीचे खड़े होके आपने ये पता कर लिया कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है ये कितना वोल्टेज कैरी कर रही है. इज इट क्लियर? बोलो. हेलो. हाँ ठीक है. सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके स्ट्रिंग आपके ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज क्या है. अब जैसे आप जेई बन जाओगे और जेई बन के आप काम करने जाओगे जब, सो वहाँ पर क्या होगा, आप अलग अलग जगह जाओगे, सो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता करनी पड़ेंगी. सो आप इस तरीके के कैलकुलेशन का वहाँ पर इस्तेमाल करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ट्रांसमिशन लाइन किस रेटिंग की है. ओके हाँ, तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रिंग एफिशिएंसी. स्ट्रिंग में बहुत सारे डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं, सो एक फैक्टर आता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी. ये क्या होता है और ये निकालने को एग्ज़ाम में आएगा. ठीक है, सो परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वी फेज. वी फेज का मतलब हमारी इंसुलेटर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इंसुलेटर जो हमारा वायर कैरी कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन वायर जो इंसुलेटर कैरी करने वाला है, उसका वोल्टेज कितना है. ठीक है, डिवाइडेड बाई एन. एन नंबर ऑफ डिस्क है और वोल्टेज ऑफ डिस्क जो सबसे पास हो कंडक्टर के. ऐसा माना जाता है कि देखो, वैसे तो मैंने आपसे ये कहा कि जितने डिस्क हैं सबका वोल्टेज 11 kV होता है. ठीक है, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए कि जितने डिस्क लगे हैं ना सबको इक्वल वोल्टेज शेयर करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. जो डिस्क कंडक्टर के सबसे पास होती है ना, वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज बियर करती है, और उसके बाद वाली जो डिस्क होती है उनके पास तक जाते जाते अलग अलग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. ओके, जैसे कि देखो ये है, ये मैंने बनाया है, जैसे ये एक ट्रांसमिशन टावर है. ठीक है, और ये आपका कंडक्टर है. सो इस कंडक्टर का आपका फेज वोल्टेज ये है. सो इस कंडक्टर को आपने इंसुलेटर से सपोर्टेड किया है. दो डिस्क हैं, एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है. तो आइडियली यही होना चाहिए कि इस डिस्क को और इस डिस्क को सेम वोल्टेज शेयर करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. ठीक है, दोनों अलग अलग वोल्टेज को शेयर करती हैं. ठीक है, दोनों अलग अलग वोल्टेज से इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, जबकि आइडियली दोनों को सेम करना चाहिए, क्योंकि सेम मटेरियल की, सेम रेटिंग की सब कुछ है, पर ऐसा होता नहीं है. है ना, जो डिस्क सबसे पास होती है कंडक्टर के वो ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक करती है, और उसके बाद वाली थोड़ा थोड़ा कम वोल्टेज ब्लॉक करती है. सो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी? स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी
फेज वोल्टेज यानी जो कंडक्टर का वोल्टेज है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रिंग इनटू वोल्टेज ऑफ द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। इस तरीके से आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालोगे। सो ये देखो, दो कंडक्टर की एक स्ट्रिंग है, तो इसमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी? वी फेज। वी फेज क्या होगा? वी फेज होगा भाई वी वन प्लस वी टू, होगा कि नहीं होगा? वी फेज क्या होगा? टोटल वोल्टेज यानी वी वन प्लस वी टू। सो वी वन प्लस वी टू ऑन नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने हैं? दो। नंबर ऑफ डिस्क दो हैं, इनटू वोल्टेज ऑफ द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। तो जो डिस्क कंडक्टर के पास है उसका वोल्टेज कितना है? वी टू। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? वी वन प्लस वी टू बाई टू वी टू। ये आ गया आपका एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे ही अगर एन डिस्क हो सो वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन, ये आपका सारे स्ट्रिंग का मिला के वोल्टेज हो जाएगा, या जिसको हम कहेंगे कि कंडक्टर का वोल्टेज क्या है, डिवाइडेड बाई एन इंटू नियरेस्ट स्ट्रिंग का वोल्टेज इंटू 100। अगर आइडियल केस की हम बात करें, आइडियल केस जिसमें हमारे सारे डिस्क जो है वो सेम वोल्टेज शेयर करें, ठीक है, तो ये वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन क्या हो जाएगा? एन वी एन। सो एन वी एन अपॉन एन वी एन, दिस इज इक्वल्स टू 100%। सो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100%। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक। कारण क्या है? कारण यही है कि हर एक डिस्क जो है वो अलग अलग वोल्टेज ब्लॉक करती है, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं होता। इज इट क्लियर? सो यहां तक क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है? तो अब देखो, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। तो एक प्रैक्टिकल केस मैंने लिया हुआ है, ठीक। इस प्रैक्टिकल केस को जरा समझो, इसमें क्या क्या होता है। ये आपका ट्रांसमिशन टावर है और ये आपका फेज कंडक्टर है जो हमारी डिस्क जो है वो कैरी कर रही है, ठीक है। सो ये आपकी डिस्क नंबर वन है, ये डिस्क नंबर टू है और ये डिस्क नंबर थ्री है। सो ये डिस्क वन का, ये डिस्क टू का और ये डिस्क थ्री का हमने कैपेसिटेंस दिखा रखा है, ठीक है। हर एक डिस्क जो है वो एक कैपेसिटर की तरीके बिहेव करेगी। हर एक डिस्क का जो बिहेवियर होगा वो एक कैपेसिटर की तरीके होगा। सो ये जो आपका सी एस है, ठीक है, ये सी एस क्या है? सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ द डिस्क। तो डिस्क को हम कैपेसिटर से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका कैपेसिटेंस कितना हो? सी एस। ओके, इसके बाद आप देख रहे हो ये सी एम सी एम सी एम, ये क्या है? ये है जो डिस्क और टावर, डिस्क और टावर के बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा ना, ये वो है। सी एम क्या है? ग्राउंड और अर्थ कैपेसिटेंस, ठीक है। सी एम बेसिकली जो हमारे हर एक डिस्क है उसके और टावर के बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सी एम से। और ये सी एम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो सी एम है, इस सी एम की वजह से ही प्रॉब्लम है। अगर ये सी एम ना होता तो हर एक डिस्क जो है वो सेम वोल्टेज ब्लॉक करती। इस सी एम की वजह से ही ये जो डिस्क हैं वो अलग अलग वोल्टेज ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है। सो देखो क्या सिचुएशन है। सो ये हमारा फेज कंडक्टर है, ठीक। ये डिस्क वन, डिस्क टू और डिस्क थ्री। डिस्क वन वी वन वोल्टेज ब्लॉक करती है, डिस्क टू वी टू और डिस्क थ्री वी थ्री वोल्टेज ब्लॉक करती है। तीनों इस डिस्क के बीच और टावर के बीच में क्या कैपेसिटेंस है? सी एम सी एम और सी एम, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऐसा है, जैसे यहाँ से आई थ्री करंट एंटर करती है। सो ये आई थ्री करंट जो है वो यहाँ डिवाइड हो जाती है, यहाँ पर जाती है, तो ये आई टू हो जाती है और आई टू करंट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। फिर जब ये आई टू करंट आगे बढ़ती है तो वो इसमें आई वन करंट चली जाती है और आगे यहाँ पर आई वन करंट चली जाती है। सो इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। सो आप जरा इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो। इस डायग्राम में कोई डाउट है कि सर कौन सी चीज क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रही है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये कोई चीज ना समझ में आ रही हो, कौन सी चीज क्या है? ये
हेलो सर। हाँ बोलो। ये आप सर कहें जो बाइफरकेट हो रहा है सर, इसमें एग्जैक्ट ब्रांच सर इक्वली से इक्वली को बाइफरकेट हो रहा है सर, जैसे I3 I3 फिर I2 I2 ऐसा इक्वली कहाँ इक्वली डिवाइड बाइफरकेट हो रहा है सर। इक्वल नहीं है ना, देखो ना, कोई करंट इक्वल नहीं है सबको। देखो, किसी को स्मॉल लेटर से यूज किया है, किसी को कैपिटल से, उसका मतलब है कि दोनों अलग अलग हैं। इक्वल कहाँ है करंट? I3 करंट जाती है तो फिर वो I2 और I2 में डिवाइड हो जाती है। जो जो अर्थ कैपेसिटेंस में CM में फ्लो हो रही है उसको स्मॉल से लिख दिया है, और जो सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क में जा रही है उसको कैपिटल लेटर से यू लिख दिया है। सो करंट अलग अलग, और यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम तो यही है ना कि देखो CS हर एक जगह कैपेसिटेंस तो डिस्क का उतना ही है, लेकिन जो हर एक डिस्क में करंट फ्लो हो रही है वो अलग अलग है। सो दैट करंट विल प्रोड्यूस डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप ना। अगर ये CM ना हो और CM में फ्लो होने वाली जो स्मॉल I1 I2 I3 है, अगर ये ना हो, तो अगर ये ना होती तो बताओ कैपिटल I1 कैपिटल I2 कैपिटल I3 बोथ ऑल द थ्री वर इक्वल है ना। तो अगर ये तीनों इक्वल होती तो फिर वोल्टेज भी तो सेम होता सब जगह। ठीक है, सो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से ये जो करंट फ्लो हो रही है ना, स्मॉल करंट्स I1 I2 I3, यही तो मेन प्रॉब्लम है। इनकी वजह से ये जो I1, ये जो I2 और ये I3 हैं, दीज थ्री आर नॉट इक्वल, दीज आर डिफरेंट। इनके डिफरेंट होने की वजह से ही तो सारी समस्या है। सो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया, इसमें कौन सी चीज़ क्यों है, कैसे है? चाहिए सर, जो ये वर्टिकल टावर के लिए ना सर, आई वर्टिकल वो के लिए ना, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ये जो है ये सस्पेंशन और स्ट्रेन दोनों के लिए, ठीक है, ये हर एक इंसुलेटर में ये इक्वली एप्लीकेबल है। सर ये CM जो ये क्या का ये मतलब हाँ, ये जो एयर कंडक्टर है ना, क्या है सर? सीएम जो तुम्हारी इंसुलेटर डिस्क है ना, ठीक है, उस हाँ हाँ इंसुलेटर डिस्क और जो ट्रांसमिशन टावर की जो आर्म है, ट्रांसमिशन टावर की जो आर्म है, ठीक है, उसके और डिस्क के बीच में एक इंसुलेटर फॉर्म हो जाता है। हाँ, वो जो सर वो है ना, उसमें जो वेटलेस मतलब इसे ना, वो क्या खुद चीज? फॉर्म होगा ना सर, हाँ, ये खुद फॉर्म हो जैसे जाएगा, कि ये उसमें तो खुद सर कोई कनेक्शन नहीं होगा ना टावर और दोनों के बीच में तो। नहीं, हाँ उसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये एक फिक्शियस है, ये एक फिक्शियस कैपेसिटेंस है जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन होता है। ओके हाँ, अच्छा सर, वही। दिस इज नॉट रियल। ये सही क्वेश्चन पूछा है तुमने, दिस फिनोमिना इज नॉट रियल। ओके, दिस इज अ फिक्शियस कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज नॉट रियल, दिस इज हाँ हाँ जी एजम्पशन। सर, उसका ही पूछा। ठीक है, ये एक एजम्पशन है कि ऐसा होता है। दिस इज नॉट रियल, दिस इज रियलिटी। ये जो है ना आपका, ये रियलिटी है, ये कंडक्टर होता है और ये आपका इंसुलेटर डिस्क होता है। ठीक है, ये देखो, ये पहला डिस्क है, ठीक, ये दूसरा डिस्क है, ये तीसरा डिस्क है, ठीक है, और ये आपका कंडक्टर है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, और ये जो है ये फिक्सियस है, ये एजम्पशन है, दीज आर नॉट रियल क्वांटिटीज। सो एम आई क्लियर? अच्छा, यस ओ सर, सर। हाँ, अच्छा वो सर, तो ये जो सर स्मॉल जो करंट जो दिखाया है आपने, स्मॉल I1 I2 I3, मतलब ये सर एक्चुअल में सर थोड़ा ये फ्लो होता है, ये भी सर इसी से देखे सर, ये ना ये प्रॉपर फ्लो होता है सर, ये स्मॉल I1 I2 I3 जो दिखाया है सर। हाँ, ये जब CM फिक्सियस है तो ये भी फिक्सियस है। ठीक है, ये एजम्पशन पे है कि ऐसा होता है ना। जैसे अभी मैंने कोरोना की बात करी, ठीक है, सो कोरोना में हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई जो आसपास की एयर है वो आयनाइज हो जाती है, सो जो एयर के मॉलिक्यूल है वो कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, कंडक्टर बन जाते हैं तो उनमें चार्जिंग करंट फ्लो होने लगती है ना। सो वैसे ही यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या है, वो क्या हमें हमें दिख रही है क्या होते हुए? नहीं, वो सारे फिनोमिना ही तो हैं कि हाँ ये फिनोमिना होता है, ऐसा होता है। ठीक
ठीक है, आयनाइज हो जाएगा तो कंडक्टर बन जाएगा मॉलिक्यूल, तो वहां पर चार्जिंग करंट फ्लो होने लगेगा। सो वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है, आपका जो हर एक डिस्क है वो हर एक डिस्क कुछ वोल्टेज कैरी कर रहा है, ठीक है, सो वो दैट डिस्क विल ऑटोमेटिकली फॉर्म अ पॉजिटिव कंडक्टर, और उस पॉजिटिव कंडक्टर, अगर वो पॉजिटिव कंडक्टर है तो अपने आप सेल्फ सेल्फ फिनोमिना के थ्रू क्या होगा, जो आपका टावर है वो निगेटिव कंडक्टर की तरीके बिहेव करने लगेगा, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव कंडक्टर के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा, दैट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड सीएम। अगर वो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ लीकेज करेंट I1 I2 I3 जा रही है, जिस वजह से डिस्क के अक्रॉस जो है अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो दीज आर फिक्सियस थिंग्स, बट दीज आर प्रूवन फिनोमिनास, है ना, ये है तो सारी चीजें ऐसी एजम्पशन बेस्ड, लेकिन ये रियलिटी है। ये सीएम 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 और स्मॉल I1 I2 I3 फिजिकली वहाँ अवेलेबल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये वहाँ पर फिजिकली अवेलेबल नहीं है, बट दे आर नॉट फिजिकली अवेलेबल, बट दीज दीज आर प्रेजेंट, फिक्सियसली प्रेजेंट, है ना, ऐसे कह सकते हो। दीज आर नॉट रियल बट दीज आर फिनोमिना जो अपने आप अपीयर हो जाते हैं, दिखते नहीं लेकिन होते हैं। सो एम आई क्लियर नाउ? सर और एक लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें सर आपका सर सी टू बी अगेन बी टू ए सर आपका ये कैपिटल I3 I2 सर फ्लो होते हुए सर इसमें दिखाया है, तो सर लेकिन इंसुलेटर इंसुलेटर में सर आपका वो करंट तो फ्लो वो करंट तो सर फ्लो नहीं होता है, इसमें सर करंट फ्लो हो रहा है, तो सर क्यों दिखा रहा है सर कैपिटल I2 इधर सर सब डिवाइडेड इनटू I2 एंड स्मॉल I2 सर कैपिटल I2 एंड I3 ये वाला। इसके लिए देखो मैं ऊपर वाली एक लाइन खोल देता हूँ, उसको ध्यान से पढ़ो, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो ये लाइन थी, हाँ ये इसको पढ़ो। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क विच आर सेपरेटेड बाय अ मेटल लिंक, ओके, मेटल लिंक, ओके, सो ये आपका जो मेटल लिंक है ना दैट इज कैरिंग करेंट, और डिस्क को आपने एक कैपेसिटेंस से दिखा दिया, क्योंकि डिस्क में आपका क्या है पोर्सलिन की है, क्वार्ट्ज की है, ग्लास की है ना, सो डिस्क को आपने कैपेसिटेंस से शो कर दिया है, ठीक है, और ये जो बीच में मेटल लिंक है आपका, दैट मेटल लिंक इज कैरिंग करंट, बट दैट करंट इज नॉट पासिंग टू द क्रॉस आर्म और द टावर आर्म, ओके, सो इन चीजों को आप अगर इलेक्ट्रिकली दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, ओके, सो ये जो आपका कंडक्टर है दैट इज ओनली ओनली दैट इज कैरिंग करंट, तो डिस्क है, डिस्क जो है वो कोई करंट नहीं कैरी कर रही है, अगर डिस्क करंट कैरी करेंगे तो फिर टावर में नहीं करंट आ जाएगी, ठीक है, सो डिस्क को हमने क्या किया, डिस्क को हमने कैपेसिटेंस एज्यूम कर लिया है, क्योंकि उनका तरीका ही वैसा ही है, सो कैपेसिटेंस होता है तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस कुछ चार्जिंग करंट होती है ना, तो दीज I3 ये सब क्या है, ये चार्जिंग करंट, जैसे हमने यहाँ पर सीएम एज्यूम करा है, ओके, जैसे सीएम एज्यूम करा और एज्यूम करा कि उसकी चार्जिंग करंट है, सो तो क्या क्या इंसुलेटर से टावर में कोई करंट फ्लो हो रही है क्या, नहीं भाई, ठीक है, वो ये कैपेसिटेंस का फिनोमिना वहां पर आ रहा है, तो कैपेसिटेंस का फिनोमिना वहां पर आ रहा है तो कैपेसिटेंस जो है वो कुछ चार्जिंग करंट तो कैरी करता ही है, सो दीज आर द चार्जिंग करंट्स, ओके, जो कैपेसिटेंस के अपने अपने बिहेवियर के लिए है ना, वो कैपेसिटेंस की प्लेट्स के अंदर होंगी, दैट वे वो बाहर आएंगी नहीं, जो टावर के आपके पास जा सके, कैपेसिटेंस का फिनोमिना समझते हो ना, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस शुरू में कैसे बिहेव करता है, देखो एक मिनट, जैसे आपका ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, इस कैपेसिटेंस को आप जैसे ही वोल्टेज देते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे आपने वोल्टेज दिया तो ये वोल्टेज ऐसे अपीयर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, इनिशियली कैपेसिटर आपका कैसा होता है, इनिशियली इट इज ओपन सर्किट होता है, इनिशियली शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, क्यों शॉर्ट सर्किट होता है, कि यहाँ का जो वोल्टेज V1 है और यहाँ का जो वोल्टेज V2 है, दिस वोल्टेजेस आर इक्वल बट अपोजिट, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1 और माइनस V2 क्या हो जाएगा, जीरो, सो टोटल वोल्टेज आपका इनिशियली कितना होता है, जीरो, ठीक है,
सो ये एक शॉर्ट के तरीके बिहेव करता है, बट अंदर क्या है, चार्जिंग करंट जो है वो मैक्सिमम होती है. ओके, चार्जिंग करंट जो है वो मैक्सिमम होती है. अब जैसे जैसे टाइम पास होता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे क्या होता है, ये आपका जो वी वन है और वी टू है दैट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, कहीं पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहीं पर पोटेंशियल कम होगा. सो उस समय आपका जो नेट वोल्टेज होगा वी वन माइनस वी टू दैट इज कुछ होगा, ये इसका कुछ अमाउंट होगा, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज वी. ठीक है, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज वी. और जो चार्जिंग करंट है ना आपकी आई सी दैट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, और तब आप कहते हो कि जो कैपेसिटर है वो हमारा ओपन सर्किट हो गया. फाइनली इट इज ओपन सर्किट, इनिशियली इट इज शॉर्ट सर्किट. तो एक शॉर्ट में क्या होता है, चार्जिंग करंट जो है वो मैक्सिमम होती है, जबकि वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है. धीरे 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 जैसे टाइम पास होता है तो वोल्टेज डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है और चार्जिंग करंट जो है वो मिनिमम हो जाती है ना. सो अब ये चीज समझ में आई. ये जो है ये फिक्सियस कॉन्सेप्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो इंसुलेटर स्ट्रिंग है उसका भाई जो फिनोमिना है वो कुछ इस तरीके का होता है. Are you getting my point? अरे नहीं देखो यहाँ पे जो तीन आपका ये डिश हाँ हाँ जो डिस्क है, डिस्क का बिहेवियर हम क्या कह रहे हैं कि डिस्क का जो बिहेवियर है बिल्कुल कैपेसिटेंस की तरीके है. तो कैपेसिटेंस के पास चार्जिंग करंट नहीं होती क्या? डिस्क का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है ना, डिस्क का बिहेवियर बिल्कुल कैपेसिटेंस की तरीके है. तो कैपेसिटेंस के पास उसकी अपनी चार्जिंग करंट तो होती है ना. जैसे अभी मैंने बताया तुमको कैपेसिटेंस का फिनोमिना, इनिशियली शॉर्ट फिर फाइनली ओपन. तो उसके पास अपनी जो चार्जिंग करंट होती है ये वही है आई थ्री आई टू आई वन आई वन आई टू आई थ्री. ये क्या है, ये चार्जिंग करंट है. ठीक है, इंसुलेटर के पास कोई करंट थोड़ी ना होगी. इंसुलेटर इंसुलेटर ही क्या रह गया अगर उसके पास करंट हो. फिर अगर इंसुलेटर करंट कैरी करने लगेगा तो फिर भाई इंसुलेटर किस तरीके का, फिर तो फेस से कंडक्टर बाईपास हो गए टावर में चली गई, तो फिर क्या फायदा इंसुलेशन का. ठीक है, तो हमने क्योंकि डिस्क को एक कैपेसिटेंस के तहत जैसा माना है कि डिस्क का बिहेवियर बिल्कुल कैपेसिटर की तरीके है. सो उस कैपेसिटर की जो अपनी चार्जिंग करंट है ये वो करंट है. ठीक है, वैसे ही सीएम जो है वो सीएम सीएम क्या है, सीएम एक फिक्सियस कैपेसिटेंस है जो टावर की आर्म के और इंसुलेटर स्ट्रिंग के बीच में फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, सो अब जब वो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा तो कैपेसिटेंस के पास आई वन आई टू आई थ्री स्मॉल आई वन आई टू आई थ्री ये चार्जिंग करंट होंगी. ओके जी सर. हाँ, इसको बिल्कुल भी उस तरीके से मत लो कि भाई इंसुलेटर. जी सर, क्लियर हो गया. हाँ ठीक सर. अच्छा, उसके बाद देखो फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो सीएम है वो बिल्कुल सीएस के प्रोपोर्शनल होता है. सीएम ही सीएम है ही सीएस की वजह से, क्योंकि सीएस है इसी वजह से सीएम है. सो ये जो सीएम अपॉन सीएस का रेशियो है दैट इज इक्वल टू के. ठीक है, के यहाँ पर के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. के होता क्या ये याद रखना, सीएम अपॉन सीएस होता है. ठीक है, और के इज ऑलवेज लेस देन वन. ठीक है, के इज ऑलवेज लेस देन वन. उसके बाद देखो ये नोड ए है, ये नोड बी है और ये नोड सी है. सो अगर हम नोड ए पर केसीएल लगाएं, सो नोड ए पर केसीएल लगाओगे तो क्या होगा बताओ. यहाँ पर ये जो करंट आ रही है आई टू इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट स्मॉल आई वन एंड कैपिटल आई वन. सो आई टू इज इक्वल टू स्मॉल आई वन प्लस कैपिटल आई वन. ठीक है, अब कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कैसे लिखी जाती है, वी अपॉन एक्स वी इंटू एक्स सी, नहीं वी अपॉन सॉरी वी अपॉन एक्स सी. ठीक है, अब एक्स सी क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, वी ओमेगा सी. सो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट को ऐसे लिख सकते हैं वी ओमेगा सी से. सो जो ये I2 के अक्रॉस करंट होगी वो क्या होगी, I2 किसकी वजह से है, वोल्टेज V2 की वजह से. सो V2 ओमेगा CS. और स्मॉल I1 किसकी वजह से है, स्मॉल I1 है इस वोल्टेज V1 की वजह से. ठीक
ठीक है, सो दिस विल बी वी वन ओमेगा सी एम, और आई वन भी किसकी वजह से है, इसी की वजह से है, वी वन ओमेगा सी एस। ठीक है, फिर इसमें से हम ओमेगा सी एस को अगर कॉमन ले ले तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा वी टू इक्वल टू वी वन प्लस वी वन वन प्लस के। इसको देखो इक्वेशन को ध्यान से, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। केसीएल लगाने के बाद ये इक्वेशन आएगी वी टू इज इक्वल टू वी वन वन प्लस के। उसके बाद अगर हम नोड बी पर केसीएल लगाएं, ठीक है, केसीएल एट नोड बी, सो भाई लगाओ नोड बी पर केसीएल, व्हाट विल यू गेट, नोड बी पर अगर केसीएल लगाओगे तो यहाँ पर देखो आई थ्री करेंट आ रही है, दैट करेंट आई थ्री इज इक्वल टू आई टू प्लस आई टू। ठीक है, आई टू प्लस आई टू। अब ऐसे ही आई थ्री को ये लिख सकते हो, आई टू को ये लिख सकते हो, और आई टू को इस वाले आई टू को स्मॉल आई टू को क्या लिखोगे, ध्यान से देखो इस आई टू को क्या लिखोगे, ये जो आई टू है इसको लिखोगे वी वन प्लस वी टू ओमेगा सी एम। ठीक है, ये जो आई टू है ये आ रही है वी वन प्लस वी टू वोल्टेज की वजह से। ठीक है, सो वी वन प्लस वी टू ओमेगा सी एम। फिर इसको फाइनली देखो सॉल्व करोगे और ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा वी थ्री इज इक्वल टू वी वन के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस वन। ठीक है, ये डेरिवेशन पार्ट है इसका, एक बार इसको देख लेना, मैं नोट्स भेज दूंगा, घर पे भी देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, इन केस ना आए तो पूछ लेना मुझसे। सो इस तरीके से देखो हमने वी टू निकाल लिया, वी थ्री निकाल लिया। अब इसके बाद टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज वी फेज किसके इक्वल होगा, वी फेज जो होगा वो वी वन वी टू और वी थ्री के इक्वल होगा। सो इट इज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी वन सो वी वन है, वी टू क्या है वी वन वन प्लस के, वी थ्री क्या है वी वन के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस वन। ठीक है, तो इसको जब जोड़ोगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी वन के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस थ्री। ठीक है, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस थ्री, ठीक ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस थ्री। तो ये आ गया आपका वी फेज। तो अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज वी फेज अपॉन एन नंबर ऑफ डिस्क इंटू वोल्टेज नियरेस्ट टू द डिस्क, वी थ्री है इंटू हंड्रेड। ठीक है, अब देखो वी फेज आपने अभी क्या निकाला है, वी वन के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस थ्री अपॉन एन इंटू वी थ्री, क्या होता है वी थ्री होता है के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस वन। ठीक है, इंटू वी वन, सो ये वी वन और वी वन कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का आपका एक्सप्रेशन आया है दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन के, और के क्या था, के था सी एम अपॉन सी एस। ओके, अगर के की वैल्यू जीरो हो, सो के की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है बताओ, इसको अगर जीरो कर दोगे तो इसके जीरो होने का मतलब है कि सी एम जो है वो जीरो हो, मतलब इफ देर इज नो अर्थ कैपेसिटेंस बिटवीन द डिस्क एंड द टावर, अगर सी एम जीरो हो तो देखो नीटा कितना होगा 100%, यानी 100% एफिशिएंसी होगी, और तीनों के तीनों वोल्टेज कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी हर एक डिस्क जो है वो इक्वल वोल्टेज कैरी करेगी। सो मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया था कि ये सी एम ही प्रॉब्लम है, बात समझ में आई, हेलो। हाँ, ये जो सीएम है, ये जो डिस्क और टावर के बीच का जो कैपेसिटेंस है अर्थ कैपेसिटेंस, अगर के की वैल्यू जीरो हो जाए मतलब सीएम जीरो हो जाए, तो सीएम अगर जीरो हो जाएगा तो एफिशिएंसी 100% होगी, मतलब वी वन वी टू वी थ्री यानी इक्वल वोल्टेज शेयरिंग होने लगेगी अक्रॉस द डिस्क और सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। बोलो, सो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है, हेलो।
सर सर हाँ, और देखो इसके न्यूमेरिकल लगाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। जैसे आपके पास 3 इंसुलेटर की डिस्क है, ठीक है, सो आपको ये फॉर्मूले अगर याद होंगे ना तो अच्छा होगा। V2 इज V1 प्लस V1 प्लस K, ठीक है, V3 इज V1 K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 1, ठीक है, इनको ऐसे याद कर लेना, ठीक। बहुत नहीं याद कर रहे हैं, V1 तो V1 ही होगा, ठीक है, V1 है, V2 ये है, V3 ये है, ठीक है। अब नीटा निकालने के लिए क्या होता है, नीटा निकालने के लिए होता है वी फेज अपॉन एन इंटू V3, ठीक है। सो वी फेज क्या होगा, वी फेज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, 3 अपॉन V3। सो आप V1 V2 V3 और यहाँ V3 की वैल्यू रखोगे, अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सो आपको ये और ये दोनों चीजें अगर आप याद रखोगे ना, सो आप तुरंत इसका न्यूमेरिकल कर जाओगे, वरना फिर आपको ये पूरा डेरिवेशन एग्जाम में करके देखना पड़ेगा अगर आप ये याद नहीं रखोगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सो आप इतना सा याद रखो, ये और ये एक्सप्रेशन आपको ये याद होने चाहिए। ओके, अब उसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, इससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखो जरा ध्यान से ये न्यूमेरिकल, और अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली में करना क्या होता है। ये तो पढ़ लिया हमने, अब देखो क्या करना होता है। अ ट्रांसमिशन लाइन इज सपोर्टेड, और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल बेस्ट फिट न्यूमेरिकल है आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए, और मैंने शायद देखा भी है ये न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल आया भी है आपके पेपर में। अ ट्रांसमिशन लाइन इज सपोर्टेड बाई 3 इंसुलेटर डिस्क, 3 वाला केस आ गया, यानी आइडियल केस आ गया आपके लिए। द मैक्सिमम ऑफ ईच डिस्क इज 20 kV, ठीक है, ये बात याद रखना, मैक्सिमम ऑफ ईच डिस्क इज 20 kV। इसका मतलब मालूम है क्या दे रखा है, 3 में से जो डिस्क मैक्सिमम वोल्टेज कैरी करेगी वो कितना है, 20 kV। सो मैक्सिमम वोल्टेज कौन सी डिस्क कैरी करेगी, जो डिस्क कंडक्टर के पास होगी, कौन सी डिस्क कंडक्टर के पास होती है, V3 होती है ना। सो ये V3 वोल्टेज आपका दे रखा है कितना, 20 kV, ठीक है। फाइंड ऑपरेटिंग वोल्टेज, ओके, फाइंड ऑपरेटिंग वोल्टेज का मतलब है आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी V फेज निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इफ द लाइन हैज इम्पीडेंस कैलकुलेट SIL, ठीक है, ये अलग चीज होती है, बताऊंगा इसके बारे में। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी है, 100%। सो हमारे लिए 3 डेटा हैं, क्या 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 3 डेटा हैं, एक तो नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, एन कितने हैं, 3, ठीक है, और एक डिस्क जो मैक्सिमम वोल्टेज बियर कर सकती है V3 वो कितना है, 20 kV, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी है, 100% है, ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% है। निकालना क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी V फेज कैलकुलेट करना है, और इन्होंने कहा है कि K की वैल्यू को 1/5 ले लो, ठीक है, K की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये फैक्ट याद रखना। ओके चलो, तो ठीक है, कर देते हैं। सो मैंने क्या बताया कि भाई V1 जो है वो ठीक भी V1 होता है, ठीक है, और V2 जो है वो क्या होता है, V1 1 प्लस K होता है, और V3 जो है वो क्या होता है, V1 के स्क्वायर प्लस 3K प्लस 1 होता है, ठीक है। सो आपका जो वी फेज होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, यानी इन सबको आप जोड़ दोगे, तो जब इन सबको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4K प्लस 3, ठीक है। सो ये चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी हुई है, ठीक है, कैसे लिखा गया ये समझ में आया। तो मैंने बोला है आपको कि आप ये याद कर लो कि V2 क्या होता है और V3 क्या होता है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो ये समझ में आया सबको, ये कैसे लिखा हुआ है, किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ इस न्यूमेरिकल में। हेलो, ये V फेस कैसे आया, ये सबको समझ में आ रहा है। जी सर, हाँ, सो देखो V फेज आ गया ये, ठीक है,
अब के की वैल्यू 1/5 है, के की वैल्यू रख दो, ठीक है। वी थ्री ये दे रखा है ना, और वी थ्री क्या होता है, वी थ्री का क्या फॉर्मूला तुमने याद कर रखा है, वी वन के स्क्वायर प्लस 3K+1। देखो मुझे याद हो गया है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो वी थ्री का ये फॉर्मूला है। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वी फेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क 3 × V3, ठीक है। सो देखो आपने वी फेज की ये वैल्यू रख दी, वी थ्री की ये वैल्यू रख दी, नंबर ऑफ डिस्क है 3, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपकी कितनी दे रखी है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी अच्छा 78% मैंने मिस कर दिया यहाँ पर। ये जो पहला केस है ना, इसमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो 78% है, ठीक है। फिर दूसरा केस इन्होंने पूछा है कि अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% हो तो फिर SIL क्या होगा, ये दूसरा केस है, ठीक है। सो अभी पहले केस में स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी है, 78% यानी 0.78। सो देखो इसको इसके इक्वल कर दोगे, सो इक्वल करने के बाद ये आपका आ जाएगा इतना। ये मैंने थोड़ा डिफरेंटली कर दिया है, देखो इसको मैं कैसे बताऊँ आपको, देखो इसको मैं सिंपली ऐसे करता हूँ, नीटा इक्वल्स टू वी फेस अपॉन 3 × V3, दिस इज इक्वल्स टू 78% एफिशिएंसी यानी 0.78, ठीक है। वी फेस आपको कैलकुलेट करना है 3, और वी थ्री क्या होता है, वी थ्री होता है वी वन, या ये भी करने की जरूरत नहीं, देखो ये लिखा हुआ है वी फेज अपॉन 3 V3 इज 0.78, इसमें वैल्यू रख दोगे सारी, वी थ्री तो आपको गिवन है ना 20 kV, सो देखो यहाँ पर आप सीधे सीधे वैल्यू रख दोगे तो आपका वी फेज आ जाएगा कितना, इतने kV। अब उस फेज को आप जब लाइन में कन्वर्ट करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा गया है फाइंड द ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड दैट इज ऑलवेज इन द लाइन क्वान्टिटीज, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने आपको फॉर्मूले करके तो दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पर सिर्फ इतना फॉर्मूला आप लगाओगे नीटा इक्वल्स टू वी फेज अपॉन 3 V3, सो इतने से ही आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग एक चीज होती है, अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग SIL, ठीक। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो होती है ये होती है VL² / ZS। तो अभी आपने VL निकाल लिया है और ZS इन्होंने दे रखा है, तो जब आप ये करोगे तो आपकी सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर सेकेंड केस में इन्होंने क्या कहा है कि अगर एफिशिएंसी 100% हो, तो एफिशिएंसी अगर 100% होगी इसका मतलब है नीटा यानी वी फेज अपॉन 3 V3 इज 100% यानी 1। सो उस केस में आपका वी फेज कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा 60 kV या लाइन वोल्टेज आएगा 60√3 kV। अब अगर आप SIL निकालोगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 27 MW, ओके। सो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो कि पहला केस था जब आपकी एफिशिएंसी कितनी थी, 78%, 78% में आपकी SIL आई थी 16 MW। दूसरा केस आपका जब एफिशिएंसी 100% है तो SIL कितनी आई है, 27 MW। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती है सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ उसके बारे में। अगर आपकी लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के इक्वल होती है तो आपको फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलता है। मैंने क्या बोला, अगर आपकी लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के इक्वल होती है तो आपको फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलता है। फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, किसी को पता है क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल? कॉन्स्टेंट वोल्टेज सर, कॉन्स्टेंट वोल्टेज है मतलब सेंडिंग एंड का वोल्टेज और रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है। सो इफ लाइन लोडिंग इज इक्वल टू SIL सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, ठीक है, और सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या होती है, VS² / ZS है ना, जहाँ VS क्या है, लाइन वोल्टेज है,
सब क्या होता है अभी, वी आर इक्वल टू वी एस मिलता है, यानी फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलता है। ओके तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी का सर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ भाई अभी। ठीक है, ये डेरिवेशन की मैंने सारी चीजें बताई, एक बार इस डेरिवेशन को देख लेना। और मैंने बोला है कि ये वी टू और वी थ्री का एक्सप्रेशन याद कर लेना, ठीक है, और उसके बाद जरा इस न्यूमेरिकल को अच्छे से लगा लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ऐसा ही न्यूमेरिकल मैंने आपके एग्जाम में देखा भी है शायद, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट टेन पे कवर भी करवाऊँ, आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व भी करा दूँ। हाँ, सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, कैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा हेलो सर, हाँ बोलो। सर अच्छा मुझे एक क्वेश्चन था सर। अगर मान लो सर आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस में हाँ एक आपका मान लो ये आपका 132 लाइन वोल्टेज आपको नंबर ऑफ बिट्स जो 7 और 8 सर ऑप्शन में दिया हुआ है सर, तो एक्चुअल तो इसका 7 है लेकिन एक एक्स्ट्रा 8 करके मतलब जैसा आपने बताया है सेम हाँ पर्पस के लिए 8 8 होता है सर, तो उसमें ना 8 में दोनों ऑप्शन से सर किसको कौन ज्यादा है, किसको करना पड़ेगा सर, 8 वाला को करना पड़ेगा ना 7 वाला को करना पड़ेगा। अगर ऐसा देखो, वो न्यूमेरिकल देते हैं तुम्हें तो ये न्यूमेरिकल जो होगा वो फंडामेंटली करेक्ट नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक है। वो 8 वाला ही ऑप्शन देंगे, +1 करके वाला जो ऑप्शन है ना वही दिया ही जाएगा, वही सही ऑप्शन होगा। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ भी जाता है तो आपको वैसे ही करना है, +1 करके ही करना है, ठीक है। एक सेफ्टी फैक्टर होता है ना, ठीक है सर, एक का सेफ्टी फैक्टर होता है। अगर आप वो सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड नहीं करोगे तो आपकी जो अवेलेबल स्ट्रिंग होंगी ना वो स्ट्रेस्ड रहेंगी, उनपे वोल्टेज स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। सो एक 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 स्ट्रिंग, एक डिस्क ज्यादा ले जी सर, लेने से वो वोल्टेज स्ट्रेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कोई भी जो डिस्क होती है वो स्ट्रेस्ड नहीं होती, टेंशन में नहीं आती वोल्टेज की वजह से, ठीक है। सो +1 वाला ही ऑप्शन सही होगा, अगर ऐसा आता भी है तो +1 ही करना, क्लियर। जी सर, ठीक है सर, ठीक अच्छा, है सर, अब देखो हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडियली स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए तो आपका आंसर क्या होगा? 100%, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। और 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि जो V1, V2, V3 वोल्टेज है सारे के सारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब आपकी जो इंसुलेटर डिस्क है सारे डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, होगा सारे सारे डिस्क के पास क्या होगा? जी सर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वोल्टेज का। अब कोई डिस्क जो है वो ज्यादा वोल्टेज कैरी करे और कोई डिस्क कम वोल्टेज कैरी करे, सो ये अच्छी चीज थोड़ी ना है। अगर हर एक डिस्क की कैपेबिलिटी है 11 kV, सो अगर कोई डिस्क जो है वो ज्यादा स्ट्रेस्ड होगी तो फिर क्या होगा? आपके इंसुलेटर स्ट्रिंग के खराब होने के चांसेस होंगे, है ना, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो रेप्चर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपके जो जी सर, मटेरियल जिसकी आपने स्ट्रिंग बना रखी है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी ना, उस स्ट्रेंथ से अगर ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा तो उस स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ अगर उस पे पड़ेगी तो वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। सो हमारा पर्पस क्या है? हमारा जो पर्पस है वो ये है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्लोज टू 100% हो। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी के क्लोज टू 100% होने का मतलब क्या है? कि हर एक डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। सो ये पर्पस है। अब इस पर्पस को हम कैसे फुलफिल करा रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हाई होना चाहिए, और इसके होने का मतलब है कि हर एक डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज है, ठीक है। सो ये हम कैसे पा सकते हैं, है ना। सो अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर के की वैल्यू, के क्या है? के था Cm अपॉन Cs, ठीक है। अगर के जो है वो 0 हो जाए, 0 हो जाए या के की वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो के अगर 0 हो जाएगा तो Cm 0 हो जाएगा, और अगर Cm 0 हो जाएगा तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी? 100% हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो सारे के सारे वोल्टेज कैसे होंगे? इक्वल हो जाएंगे।
तो इसका मतलब है कि हमें सीएम को अगर मिनिमाइज करना है, सॉरी के को मिनिमाइज करना है, तो सीएम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो अब सीएम कैसे मिनिमाइज हो सकता है? देखो, पहला तरीका है इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म लेंथ, है ना। क्रॉस आर्म लेंथ का मतलब समझते हो, जैसे आपका ये टावर है, ठीक। तो ये जो टावर की आपकी जो लेंथ, ये जो टावर पर जहां पर आपकी स्ट्रिंग लटक रही होती है ना, ठीक, ये टावर की जो क्रॉस आर्म है, इसकी लेंथ को हम बढ़ा दें, है ना। तो इससे क्या फायदा होगा? इसकी लेंथ को अगर आप बढ़ाओगे, इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म, सो अगर इसकी लेंथ को आप बढ़ाओगे, तो देखो ये आपका टावर है, और ये टावर की क्रॉस आर्म है, और ये आपका जो डिस्क लटक रहा है, और ये आपका सीएम है जो डिस्क और टावर के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है? एप्साइलन नॉट ए बाई डी, है ना। तो आप अगर क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ाओगे, तो आप क्या करोगे, उससे आप ये डी जो है उसको आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे। तो डी को आप अगर बढ़ा दोगे, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस अगर बहुत बहुत कम हो जाएगा, तो आपका जो के है, के क्या है, सीएम अपॉन सीएस, तो अगर आपका ये सीएम कम हो जाएगा, तो के भी कम हो जाएगा। तो अगर आपने के को जीरो कर दिया, तो के को जीरो करने से फायदा क्या होगा, सीएम जीरो हो जाएगा। और अगर सीएम जीरो हो गया, तब तो 100% एफिशिएंसी मिलना तय है, और यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? जी सर, हाँ। तो क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ाकर हम सीएम को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। सीएम अगर जीरो हो गया, तो के जीरो हो जाएगा, के अगर जीरो हो गया, तो 100% एफिशिएंसी मिल जाएगी, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर, ऐसा हाँ। अगला तरीका देखो क्या है, अगला तरीका है गार्ड रिंग, और आपने शायद इसको देखा भी होगा प्रैक्टिकली, टावर्स में आपने देखा होगा, एक स्ट्रिंग से स्ट्रिंग जहां लटकती है, वहां से एक वायर सा लटकाया जाता है, जो वापस जाके वायर में कनेक्ट हो जाता है जाके। देखा है ऐसा प्रैक्टिकली? जी सर, देखे हाँ। तो जी सर। वो वायर इंटेंशनली डाला जाता है, उसका पर्पस क्या होता है? देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम था ये सीएम, ठीक है, और इस सीएम में फ्लो होने वाली करंट I1, I2 और I3। अगर ये करंट और ये सीएम ना होता, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही थी, कैपिटल I1, कैपिटल I2, कैपिटल I3, वो इक्वल होती, और अगर वो इक्वल होती तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता, ठीक है, होता ना। यही तो समस्या थी। तो हम क्या करते हैं, हम एक गार्ड वायर, इस तरीके का एक गार्ड वायर लगा देते हैं। तो ये गार्ड वायर लगा देंगे, तो क्या होगा, अब होगा क्या, इस गार्ड वायर और डिस्क के बीच में फिर से एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताओ। हम इस तरीके का एक गार्ड वायर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंसुलेटर डिस्क है और इस वायर के बीच में भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये कैपेसिटेंस मान लो सीएफ है, ये कैपेसिटेंस मान लो सीवाई है। सो अब ये कैपेसिटेंस जो है, ये करंट कैरी कर रहा होगा आईएक्स, और ये करंट कैरी कर रहा होगा आईवाई, ठीक है। बोलो, देखो फिगर को ध्यान से देखो, ये सिचुएशन होगी कि नहीं होगी बताओ यस मुझे, सर, ठीक है। अब अगर हम नोड ए पर होगा सर। केवीएल, हाँ, अब अगर हम नोड ए पर केवीएल लगाएं, सो नोड ए पर जब केवीएल लगाओगे, तो क्या होगा, देखो इनकमिंग करंट कौन सी है, I2 और IX, ठीक है, और आउटगोइंग करंट क्या है, I1 + I1, ठीक। अब अगर हम गार्ड वायर की वैल्यू को ऐसा चूज करें कि ये जो कैपेसिटेंस CX फॉर्म हो रहा है, और इसकी वजह से जो ये करंट IX फ्लो हो रही है, ये करंट IX अगर इस करंट I1 के एग्जैक्टली इक्वल बना दी जाए, तो क्या होगा, देखो ये IX और ये IX और ये I1 कैंसिल हो जाएंगे, और I2 जो है वो हमारी I1 के इक्वल हो जाएगी, और I2 को हम लिखेंगे V2 ωCS, I1 को V1 ωCS, यानी अल्टीमेटली V2 और V1 इक्वल हो जाएंगे। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, हाँ, मतलब गार्ड वायर लगा के एक कैपेसिटेंस फॉर्म करना, जो उतनी ही करंट कैरी करे जितनी करंट हमारा सीएम कैरी कर रहा है, ठीक है, जिससे वो करंट कैंसिल हो जाएंगे।
और जो सीएस है वो इक्वल करंट कैरी करने लगेगा, और सीएस अगर इक्वल करंट कैरी करेगा तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। बोलो, समझ में आई बात? हाँ, ये तरीका समझ गया ना। इस तरीके से हम गार्ड वायर लगा के वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म कर सकते हैं। फिर ये जो गार्ड वायर लगाने से ये जो सी एक्स और सी वाई है इनकी वैल्यू निकालनी हो तो इनकी वैल्यू देखो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे? कि पीएथ मेटल लिंक के पास का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू होती है पी सी एम अपॉन एन माइनस पी, जहाँ पी क्या है मेटल लिंक नंबर है और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ डिस्क है। ठीक है, तो जैसे हमें सी एक्स निकालना हो तो सी एक्स के लिए मेटल का मेटल लिंक नंबर क्या था, पहला ही तो था, और टोटल डिस्क कितनी है यहाँ पर, 3। ठीक है, तो सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सी एम अपॉन 3 - 1 यानी सी एम बाई 2। और अगर सी वाई निकालना हो तो सी वाई का कौन सा नंबर का कैपेसिटेंस था, 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालोगे तो ये देखो आ जाएगा 2 cm। बात समझ में आई? ये सी एक्स और सी वाई कैसे निकलेंगे, पी सी एम अपॉन एन माइनस पी। पी क्या है, मेटल लिंक नंबर, जैसे ऊपर से नीचे तक काउंट करोगे तो ऊपर से सी एक्स का नंबर कौन सा है, पहला, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, तो फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू आ जाएगी। सी वाई निकालते समय सी वाई का नंबर कौन सा है, दूसरा। ठीक है, जैसे देखो मैंने और भी करा है, एक न्यूमेरिकल ये करा है, देखो ये न्यूमेरिकल आपके सब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पर हमने 4 इंसुलेटर डिस्क यूज करे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और देखो ये गार्ड वायर यूज करा है, तो ये गार्ड वायर यूज करने से देखो ये सी एक्स है, ये सी वाई और ये सी जेड बना। सो इनका नंबर ऊपर से काउंट करोगे, ये पहला नंबर का है, ये दूसरा नंबर का है, और ये तीसरे नंबर का मेटल लिंक कैपेसिटर है। ओके, सो बताओ सी जेड की वैल्यू क्या होगी, सी जेड की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, पी सी एम अपॉन एन माइनस पी, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्क, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्क, 4, टोटल 4 डिस्क हैं। हाँ, और ऊपर से काउंट करोगे तो सी जेड का नंबर कौन सा है, पहला, तो जब फॉर्मूले में रखोगे तो सी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एम बाई 3। सी वाई का नंबर क्या है, दूसरा, तो यहाँ पर फॉर्मूले में पी को 2 रखोगे तो ये आ जाएगा सी एम। सी एक्स का नंबर कौन सा है यहाँ पर, तीसरा, तो पी की वैल्यू क्या रखोगे, 3, तो ये आ जाएगा 3 cm। फिर देखो सी एक्स सी वाई और सी जेड का रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सी एम बाई 3। सी एम बाई 3 ऑब्लिक कितना है, सी एम और 3 cm। ठीक है, सो देखो ये रेशियो निकालो तो आ जाएगा 9:3:1। ठीक, तो गार्ड रिंग कैसे काम करती है और गार्ड रिंग के कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, ये समझ में आ गया? इनसे बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके के, ये आए हुए क्वेश्चन ही है जो मैंने ये करवाए हैं तुम्हें। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने कोरोना पढ़ा है और इंसुलेटर पढ़ा है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर, ठीक हाँ, अब है सर। देखो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर केबल। ठीक है, केबल का रेजिस्टेंस और केबल के डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने तरीके का होता है, कैसे क्या होता है। ठीक, आपके सिलेबस में पॉइंटेड हैं ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हो। तो कल जब आप पढ़ लोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक खत्म हो जाएगा, मतलब आपका पावर सिस्टम का जो सिलेबस है कल के लेक्चर के बाद आप उसका 60% कवर कर चुके होंगे। ओके, हाँ, तो अभी आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अभी मैं तुरंत क्लास के बाद नोट्स डाल देता हूँ। ठीक है, सो उनको आप एक बार देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल के लेक्चर में उसको पूछ लेना। और कल मैं ये केबल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाने के बाद
आपको इन चारों टॉपिक के क्वेश्चन करा दूंगा जो आए हुए क्वेश्चन थे। ओके हाँ, सो अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, वरना फिर क्लास को एंड करते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर, नो फ्रॉम माय साइड। सर, आज के वीडियो को भी साथ में भेजने से अच्छा है सर। हाँ, वीडियो असल में रिकॉर्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ही वो रिकॉर्ड हो जाता है वैसे ही मैं उसका लिंक भेज देता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक, चलो। ओके देन, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।